summer means heat wave, chronic illness, cold and flu, and delicious, yummy-licious summer fruits also. So let's talk about some summery fruits and their benefits. Check it out. Fruit number one is watermelon. So it's none other than watermelon. 92% water. गर्मियों में dehydration भगाने के लिए watermelon से अच्छा भला कौन सा fruit हो सकता है? बहुत ही tasty, बहुत ही yummy, मजा आ जाता है खाके. और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पानी की कमी होती है हमारी बॉडी में उसको ये पूरा करने में पूरी हेल्प करता है. एट द सेम टाइम इट्स गुड फॉर आवर ओवरऑल हेल्थ, स्पेशली स्किन, हेयर. तो भला इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो आज से ही वाटरमेलन खाना जरूर शुरू करेंगे. बेस्ट टाइम टू ईट वाटरमेलन इज बिटवीन नून एंड लेट आफ्टरनून, क्योंकि मीठा भी होता है तो इसको लेटर ऑन इन द इवनिंग खाना ज़्यादा सही नहीं होता. सो ट्राई इट. नंबर टू इज नन अदर देन मैंगो. मतलब इसका इंतज़ार तो साल भर करते हैं हम, है ना. फुल ऑफ फाइबर्स, विटामिन ए सी एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स आर लाइक, इस पर सब कुछ होता है. बस यू नेम एंड आपको मिल जाएगा. कोलाजिन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, और टेस्टी और यमी तो ये इतना लगता है कि इसके बारे में मतलब जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम पड़ जाएगी. अगर आप भी मैंगो फ़ैन हैं तो दिस इज़ द टाइम यू कैन स्टार्ट ईटिंग मैंगो. बट हाँ, आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि मैंगो में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये मीठा होता है. तो इसके जो खाने का टाइम है वो भी आपको दिन में ही रखना पड़ेगा, यानी कि नून और लेट आफ्टरनून के बीच में अगर आप इसको खाते हैं देन इट्स वेरी गुड फॉर यू. नंबर थ्री एंड द नेम इज लीची, द क्लासिक समर फ्रूट चॉइस ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडियंस. और मुझे भी लीची बहुत ज़्यादा पसंद है. पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर्स, एंटी ऑक्सीडेंट्स, सब कुछ तो होता है इसमें. और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना यमी होता है. लेकिन हाँ, इसका जो टाइम है ना वो बहुत कम होता है. तो लीची जैसे ही मार्केट में आए, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है और टेस्ट वाइज तो आपको पता ही है कि मतलब बोल नहीं पा रही हूँ मैं, बहुत ही यमी और टेस्टी होता है. तो दिस इज़ ऑल्सो एंड गुड ऑप्शन फॉर यू. एंड द राइट टाइम ऑफ ईटिंग लीची इज मॉर्निंग टाइम. नंबर फोर इज पपाया. मतलब पपाया इज रिच इन विटामिन्स ए ई सी, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं, और आपके डल स्किन को चमकाने का अगर कोई काम करता है, अगर आपके डाइजेशन को अच्छा करने का कोई काम करता है तो इट्स पपाया, जो लगभग हर किसी को सूट करता है और ज़रूर खाना चाहिए. एंड द राइट टाइम ऑफ ईटिंग पपाया इज एम्प्टी स्टमक, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत परफेक्ट है. फ्रूट नंबर फाइव इज पियर, जिसे हम कहते हैं नाशपाती. इसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, बट जो सॉफ्ट वाली नाशपाती होती है वो सबकी फेवरेट होती है. वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, वेरी जूसी, वेरी यमी, एंड साथ में इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी. इवन ऐसा कहते हैं कि नाशपाती खाने से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो दूर भागती हैं. स्किन के लिए इट्स वेरी गुड, हेयर के लिए इट्स रियली गुड, एंड हाइड्रेशन के लिए यू हैव टू कैरी अ नाशपाती अपने साथ जब आप ऑफिस जा रहे हो या फिर घर से बाहर निकल रहे हो. एंड द गुड टाइम टू ईट नाशपाती इज़ इन द मॉर्निंग, बट आप चाहें तो इसको मिड डे में भी खा सकते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो टाइम मिलता है उसमें भी आप नाशपाती जरूर खा सकते हैं. तो बीट द हीट विद दीज समर फ्रूट्स, स्टे हेल्दी, स्टे फिट.